महाराष्ट्र के बदलापुर यौन उत्पीड़न केस को लेकर खूब हंगामा मचा था। इस बीच बदलापुर कांड के आरोपी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि इस दुष्कर्म कांड के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस से रिवाल्वर छीनने की कोशिश की थी और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। बता दें कि बदलापुर के एक स्कूल में आरोपी सफाई कर्मचारी था। उसने मासूम बच्चियों का यौन शोषण किया था। बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना बीते 12 और 13 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद दोनों बच्चियां स्कूल जाने से डर रही थी। जब बच्चियों के माता पिता को संदेह हुआ तो उन्हें बच्चियों से जब पूछताछ की तो इस भयावह घटना का खुलासा हुआ था। बता दें कि जब इस मामले को लेकर पीड़ित बच्चियों के अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस की ओर से फौरन कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप लगा था। वहीं जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो आरोपी अक्षय शिंदे के बारे में पता चला। दरअसल आरोपी अक्षय शिंदे कर्नाटक के गुलबर्गा का निवासी था। हालांकि उसका जन्म बदलापुर में ही हुआ था। वो अपने परिवार के साथ बदलापुर के एक गाँव में रहता था। दसवीं की पढ़ाई के बाद वो एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। एक दूसरे स्कूल में वो सफाईकर्मी के रूप में भी काम कर चुका था। हालांकि जिस स्कूल में यह घटना हुई थी वहां पर उसे एक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सफाईकर्मी की नौकरी मिली थी। बता दें कि इस घटना के बाद पूरा बदलापुर ही सड़क पर निकल आया था। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक को जाम करके बैठ गए थे। लोग रेल रोको आंदोलन करके स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन की वजह से बदलापुर रेलवे स्टेशन पर कई लोकल ट्रेनें रोकनी पड़ी थी। लोगों को समझाने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। उस दौरान लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। गौरतलब है कि स्कूल में घटना के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों के गुस्से और प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SIT जांच का आदेश दिया था। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने भी कड़े एक्शन का आदेश दिया था। हालांकि इस घटना के कई दिनों बाद स्कूल प्रशासन सक्रिय हुआ और कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को भी बर्खास्त कर दिया गया था। इसके साथ ही सफाई कर्मियों को मुहैया कराने वाली एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को भी समाप्त कर दिया गया था। लोगों के गुस्से को देखते हुए स्कूल की तरफ से सभी अभिभावकों से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी गई थी। बता दें कि इस छीना झपटी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर है। घायल पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है। हालांकि अब इस घटना के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया है।